गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं सब? अच्छे हैं सर. चलो बढ़िया. अच्छे ही चाहिए. गुड मॉर्निंग राजकुमार. यस गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन. वंस अगेन प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट टिल नाउ. अदरवाइज ईच एंड एवरीवन राइट डाउन द क्रिस्टल क्लियर. And tell me please, what is the question I have given? सर पीसी रिलेटिव एडवाइसिंग मोड वापस से बता दीजिएगा थोड़ा सा. जी जी बेटा जरूर जरूर जरूर. देखिए डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड. हाँ हाँ यस 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 यस. दिस इज ए 16 बिट इंस्ट्रक्शन लोड टू एक्यूमुलेटर विद एड्रेस फील्ड 500. ओपकोड इज 8 बिट सो आई विल स्टोर this in one byte and next address field is 1 byte 200 and 201 and the program counter now contain 202. Okay, and load from the memory location 200 and these are the details. Now please fill that table each and every one. Sabhi bachche table fill kijiye please. बताइए बच्चों. इमीडिएट में क्या आएगा ऑपरेंड और इफेक्टिव एड्रेस? ऑपरेंड 500 इफेक्टिव एड्रेस 0. नो रॉन्ग एब्सोल्युटली रॉन्ग. इफेक्टिव एड्रेस आएगा नॉट 202 201. क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? यस सर. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब जल्दी जल्दी बताओ. लिख के दे चैट बॉक्स में यार. Yes, very good, Bhupendra. Your answer is correct. My dear student, why you are not replying, I don't know. Please tell me. Listen, everyone. I'll explain. Don't worry. Listen, immediate. This is the operand. Yes, yes, Bhupendra. Where it is? 201. So in immediate addressing mode, effective address is 201. And the operand is 500. Or indirect, effective address 500, whatever we are getting 800. In indirect 800, what we are getting 300. Register effective address is nothing, register name. That's all. And what they contain 400. And in this 400 to 700. PC relative.
इंडेक्स, ऑटो डिक्रीमेंट। क्लियर? यस सर। ऑटो इंक्रीमेंट, अगर पहले आप इंक्रीमेंट करते हो तो ये लीजिए, डू इट। प्लीज टेल मी, किस किस बच्चों को ये समझ में नहीं आया, किस किस बच्चों को ये समझ में नहीं आया, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेल मी बेटा। देखिए 500 इमीडिएट में ऑपरेंड है, वो 500 कहाँ मिल रहा है, 201 पे। डायरेक्ट में एड्रेस फील्ड ही इफेक्टिव एड्रेस होता है, यानी 500 इफेक्टिव एड्रेस है, उस पे जो भी मिल रहा है वो मेरा ऑपरेंड है, यानी 800 मेरा ऑपरेंड है। इनडायरेक्ट में 500 इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस है, 500 इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस है। क्लियर है? तो भाई 500 पे जो मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस, यानी 800। उसके बाद आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, उसमें ऑपरेंड कहाँ होता है, रजिस्टर में ही होता है। कहाँ होता है बेटा, रजिस्टर में ही होता है, और वो रजिस्टर कहीं भी हो सकता है, जस्ट इन नेम ऑफ रजिस्टर। क्लियर होगा मेरे हिसाब से बात? उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका, रजिस्टर डायरेक्ट के बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑपरेंड कहाँ होता है, मेमोरी में, और इफेक्टिव एड्रेस कहाँ होता है, रजिस्टर में। इफेक्टिव एड्रेस कहाँ होता है बेटा, रजिस्टर में। क्लियर है? यस सर। आप आ जाओ। हाँ बोलिए। क्लियर है सर। यहाँ 5 तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर? क्लियर सर। अब पीसी रिलेटिव, पीसी रिलेटिव में मैंने आपको पहले बताया बेटा, दीज आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। व्हाई दीज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप इसमें मूव करा सकते हो। मूव का मतलब लाइक पीसी रिलेटिव की बात करूं मैं, आपको पता है इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर वैल्यू प्लस एड्रेस फील्ड, यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अब कितनी है, 202। अरे सर 200 थी वो तो, मैं बोल रहा हूँ बचपन में थी, जब 2 बाइट का लोड हो गया तो प्रोग्राम काउंटर क्या रखेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस, और एड्रेस फील्ड कितनी है, 500। तो इफेक्टिव एड्रेस कितना आ जाएगा, 702। कितना आ जाएगा, 702। तो 702 पे जाऊंगा, वहां पे जो भी मिलेगा वो मेरा डेटा होगा। ऐसे इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इफेक्टिव एड्रेस कैसे होता है, इंडेक्स प्लस इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू प्लस एड्रेस फील्ड। सो इंडेक्स रजिस्टर और 500 एड्रेस फील्ड, 500 एड्रेस फील्ड, तो आ गया अपना 600। क्या, इफेक्टिव एड्रेस। तो 600 पे जाऊंगा, वहां जो मिलेगा, समझ रहे हो? यस सर। क्लियर है? और ऑटो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट हमेशा रजिस्टर पे होता है, पहले 400 था तो 399 पे जो मिला, और 400 है तो 401 पे जो मिला। ईच एंड एवरी वन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, पर रिप्लाई रिप्लाई ओनली 8 के आए, ऐसा भेदभाव क्यों? उनका मौसम हाथ नहीं चल रहा सर। भाई घर पे है, क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन,
यस सर। वेरी गुड। वो गेट वाले कल लाए थे प्यारे? यस सर। हो गए सारे? यस सर। वेरी गुड। मजा आया करने में? यस सर। वेरी गुड। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल मशीन विच यूज डिफरेंट ऑपरेंड एक्सेसिंग मोड। Two marks is shown below, that is shown operand addressing mode, frequency in percentage. Immediate register, direct memory, indirect index addressing mode, 20, 30, 22, 17, 11 100%. Assume that two clock cycle is consumed for one memory access. एक memory access में कितनी clock cycle consume हो रही है? Two. And one clock cycle one clock cycle is consumed for arithmetic computation and zero clock cycle is consumed when the data is present in register or instruction itself. What is the average operand fetch rate of machine? Option A 1.0, 1.25, C 1.45, D 2.1. Please tell me. Tell me the right answer, beta. Each and every one, tell me. जी बच्चों सर, ईच एंड एवरी वन,
Very good, Srishti. बताइए बच्चों, बी इज नॉट बेटा, बी इज नॉट, yes, very good. 1.45 is the right answer. Each and every one, are you able to get this answer? आपका आंसर ये आ रहा है? Yes, sir. सभी बच्चों का आ रहा है? करें बेटा? सर देखिए, हर बच्चा प्लीज पेन कॉपी रख दीजिए, पुट योर पेन डाउन एंड लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. क्या कह रखा है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में कितना लग रहा है? जब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डेटा कहां होता है? इंस्ट्रक्शन में होता है बेटा, उसके लिए लग रहा है जीरो साइकिल. और जब डेटा आया तो रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन में, तो जीरो क्लॉक साइकिल. और डायरेक्ट में आपको एक मेमोरी रेफरेंस लगता है बेटा, तो दो साइकिल. इसमें तो आपको दो मेमोरी रेफरेंस लगते हैं बेटा, तो आपको कितने लगा? चार साइकिल. इसमें एक रजिस्टर प्लस एक एएलयू प्लस एक मेमोरी, जीरो प्लस वन प्लस टू थ्री. तो जीरो प्लस जीरो प्लस 44 प्लस 68 प्लस 33, 145 परसेंटेज, यानी 1.45 आ गया बेटा. माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी एनी डाउट और नॉट. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क. आ गया सभी बच्चों को? यस सर. एक और क्वेश्चन दूं इसका, करोगे? यस सर. या पहले गेट वाला करा दूं अगर किसी ने नहीं किया हो तो? लिखे पहले क्वेश्चन, लिखे. कंसीडर ए 16 बिट हाइपोथेटिकल प्रोसेसर
which support one address instruction. Just a minute, specs लगा ले यार. हालांकि नंबरों का नहीं है लेकिन आजकल लगाते लगाते आदत हो गई है. 16 bit hypothetical processor which support one address instruction. What? One address instruction design with various addressing mode. It contain 8-bit opcode. Opcode आपका कितने bit का है? 8-bit का. And it support one word instruction stored in the memory with starting address of 745 in decimal onwards. This is very good question, beta. Address field value, जो मैंने टेबल में दिया था यहां वैसे दे रखा है. Address field value is address field value of the instruction is 222. How much? 222. Processor register R1 contain 111. Memory content 222 is 155. Only calculate the effective address. Calculate the, not the data. उतार रहे हो सब बच्चे? यस सर. इफेक्टिव एड्रेस व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज डिजाइन इन द सीपीयू यूजिंग कौन कौन से एड्रेसिंग मोड. पहला इमीडिएट, दूसरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तीसरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, हाँ या ना, चौथा मेमोरी इनडायरेक्ट, पांचवा रजिस्टर इनडायरेक्ट, छठा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूजिंग यूज R1 एज इंडेक्स रजिस्टर, सातवां पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड. माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सॉल्व इट, सॉल्व इट माय डियर.
beta, tell me the answer. What are the, how you write the answer? Ki sir, first x, second ka ye aayega, third ka ye aayega. Ek saath dijiye jaldi se. क्या हुआ बेटा, आया नहीं आया? कर रहे हो बच्चों? यस सर। करो डेटा लिख के, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, करिए पर। सृष्टि 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 सृष्टि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस सिक्स वाला गलत है। देखें Yes, tell me. Very good. Listen, immediate addressing mode. What is the opcode?
What is the effective address, immediate addressing mode? You know where it is stored? What is saying? Opcode and address field. ठीक है और from where it is stored? 745 746 यहाँ तो opcode और यहाँ address जो what contain 222 and 747 पे next instruction और 222 पे 155 clear है? Yes sir. Now first immediate is operand is present in the instruction. Means where the operand is present? 746 pe. 746. Clear? Yes, next. My mistake. I'll have to write upper. Just a minute. Yes. Please tell me. 746. Register mein just name of the register R1. Clear hai? Yes, sir. और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 222 इन इनडायरेक्ट 155 रजिस्टर इनडायरेक्ट 111 एंड इन दिस 111 प्लस एड्रेस फील्ड 333 पीसी रिलेटिव इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है प्रोग्राम काउंटर प्लस एड्रेस फील्ड मीन 747 प्लस 222 969 क्लियर है एवरीवन? यस सर. 969 आएगा ना बेटा हिमांशु? यस सर. यस सर. भूपेंद्र सर. सृष्टि 6 वाला गलत हो गया बेटा आपसे. सॉरी माधवी. So, please, each and everyone, write down in chat box ki you are getting or not. Feel aaya ya nahi aaya? Ek aur question do. यस सर. ये वाला नहीं था, वो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का था. रिलेटिव का मतलब क्या होता है वो भी सिखाऊंगा अभी. यहां तक सबको क्लियर है? चलो वो भी देता हूं. वो उसमें टीओसी टाइप वाले में है. यहां तक क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर. कौन कौन बच्चा है ईमानदारी से बताओ जो क्वेश्चन नहीं करके लेके आया. मैं डांटूंगा नहीं. बताइए. कौन कौन ऐसा है? तान्या. और नाम तो ले सकता हूं बेटा, डांटूंगा नहीं, बात अलग है. और बस एक ही ईमानदार बच्चा है. बाकी सबने किए हैं क्वेश्चंस? यस सर. बताओ दूसरे का आंसर क्या आ रहा है? बताइए. आंसर तो पीडीएफ में भी थे. यस सृष्टि. आई नो इट. यहां तक कर लिया सभी ने? यस सर. वेरी गुड. बट मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक बार जो क्वेश्चन टफ है उसको कराने का. एक ही कराऊंगा, ज्यादा मैं नहीं कराने वाला.
एक सेकेंड रुक जाइए, बस एक सेकेंड बेटा। जब क्वेश्चन कर रहे थे कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा था? यस सर। यस प्लीज। हाँ जल्दी जल्दी आंसर दो। तानिया बताइए बेटा जल्दी आंसर। रौनक, रौनक है आज बेटा? रौनक नहीं आया। रौनक आया सर? रौनक आया है? यस सर। ओके अच्छा बच्चों आज शाम को COS स्टार्ट करना है क्या? यस सर। यस सर। आते तुम पूरे हो नहीं यार। शाम को भी सर इनिशियली क्लास में 50 हो जाएंगे। वो तो खैर होंगे ही, धीरे धीरे कम हो जाएंगे फिर। ना नहीं शाम वाली में कम नहीं होंगे मेरे को लगता है। अभी तो उठने वाला बहाना है और कुछ ही नहीं है। यस सर। सही बात भी है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यार देखो इनडायरेक्ट पे पॉइंटर, इमीडिएट को कांस्टेंट, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट को लूप, 2 3 1 सी। माधवी डी नहीं बेटा सी। क्लियर है? यस सर। ईच एंड एवरी वन क्लियर? यस सर। यस सर। अगला बताइए। देखो एब्सोल्यूट यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है और इनडायरेक्ट, इसमें रीएलोकेशन नहीं कर सकते। बेस रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में आप रीएलोकेशन कर सकते हो। रीएलोकेशन का मतलब यहाँ इफेक्टिव एड्रेस, यहाँ इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं अपन? बेस रजिस्टर वैल्यू प्लस एड्रेस फील्ड, ये आपकी कुछ भी हो सकती है। इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू, ये भी आपकी कुछ भी हो सकती है। या पीसी रिलेटिव, इसमें भी प्रोग्राम काउंटर अगर आपका 4 byte का है तो 4 byte पे मूव कर जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट में फिक्स है भाई। इस पे ये पड़ा हुआ है तो यही है, इस पे ये है तो ये है। बाकी इनों में बाकी में एड्रेस चेंज हो सकते हैं। पीसी रिलेटिव को ही रिलेटिव भी बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। थर्ड वाला हो गया। थर्ड वाला करो, थर्ड वाला करो। थर्ड वाले में मुझे ये बताना कि पहले वाले ऑप्शन में क्या कमी है, दूसरे में क्या कमी है, तीसरे में क्या कमी है। समझ में आई बात में क्या पूछ रहा कवि? यस सर। तो पहले वाले में ये कमी है कि लाइक जो पहले रजिस्टर का वो है वो थर्ड में जाएगा, फिर सेकंड का जो है वो मेमोरी में चला जाएगा, लेकिन अपन को तीनों का मतलब जो पहले वाले का है वही तीनों में डालना है। तो पहले वाले में सिर्फ जो सेकंड का है वही 100 में जा पाएगा बेसिकली। सर R1 से मेमोरी 100 में नहीं जा पाएगा सर पहले वाले में। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखो पहले तो ये समझे आप, ये समझे ये क्या कह रहा है कवि, ये क्या कह रहा है? R1 से मेमोरी अपडेट हो रही है, मेमोरी से दोनों रजिस्टर और यस। पहले ऑप्शन में देखो एक तो क्या R2 नॉट अपडेट, पहली बात। R2 एंड R3 ये दोनों अपडेट नहीं हो रहे। R3 तो हो गया सॉरी, R2 नॉट अपडेट एंड मेमोरी 100 अपडेशन रॉन्ग। देखो ये चीज सिखानी मेरे को, आंसर तो पता सबको आ जाएगा। समझ में आया ऑप्शन ए में? ऐसे ऑप्शन बी और सी में कमियां बताओ। सर ऑप्शन बी में भी सर मेमोरी अपडेशन सर रॉन्ग किया है सर ने। मेमोरी अपडेशन किया ही नहीं है। ये सर पहले R1 आना था। लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए 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 चैट बॉक्स में। यस वेरी गुड सोनिया, बी ऑप्शन में बेटा मेमोरी अपडेट ही नहीं हो पा रही है।
बताइए वेरी गुड लिसन ऑप्शन बी देखे बेटा ऑप्शन बी क्या हो रहा है ऑप्शन बी में मेमोरी 100 नॉट अपडेट दैट्स ऑल और ऑप्शन सी में एक तो रजिस्टर R2 नॉट अपडेट एंड R3 अपडेशन रॉन्ग अपडेट तो हो गया R3 बट अपडेशन इज रॉन्ग और इसमें R1 से R2 R1 से R3 R1 से देखो क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या कह रहा है कि इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सिस्टम की है ना तो अपन को क्या करना चाहिए अपर अब आप बोलोगे सर परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है तो देखो यार पहले आप रजिस्टर से मेमोरी में जा रहे हो फिर मेमोरी से बार बार रजिस्टर में जाके ला रहे हो तो इससे बढ़िया रजिस्टर से रजिस्टर में डालोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा काम मेमोरी में एक बार अपडेट करना है जो कर दो पहले रजिस्टर में अपडेट कर दिया अब यहां देखो एक बार तो ये दो तीन तीन मेमोरी रेफरेंस लग रहे हैं एक बार तो रजिस्टर में डालने में फिर रजिस्टर से दोनों बार लाने लाने में यहाँ एक बार एक मेमोरी रेफरेंस में काम हो गया है बाकी सब रजिस्टर फाइल में काम हो रहा है चीज समझ में आई Yes, sir. क्लियर है यस सर ये वाला भी बताओ दो दो मार्क्स के आए भाई दो दो मार्क्स के फोकट के दो मार्क्स क्लियर है वेरी गुड अमान पांचवा कीजिए पांचवा ये आपका इसरो में भी आया था कीजिए हर बच्चा प्लीज बताइए सही नहीं हुआ था करो करो ट्राई करो जब तो करा रहा हूं मैं घर पे कर लिया था फिर सॉल्यूशन भी देख लिया लेकिन समझ में नहीं आया था कोई बात नहीं बेटा अपन करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है सुनिए मूव आई यानी इमीडिएट देखो इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं सेकंड थर्ड फोर्थ ताकि मैं बार बार पूरा ना लिख पाऊं फर्स्ट मूव इमीडिएट आरएस में वन यानी आरएस में क्या डाल दो तुरंत वन डाल दो सेकंड लोड आरडी में मेमोरी लोकेशन 1000+RS और आपको बता रखा है मेमोरी लोकेशन 1000 मेमोरी लोकेशन 1001 थंबा 1020 ये है 1000 पे 18 1000 पे 1 1020 पे 16 मूव आरएस में इमीडिएटली 1 ओके लोड आरडी 1000+RS दैट इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड सो आरडी में मेमोरी लोकेशन 1000+RS
यानी मेमोरी लोकेशन 1001 में क्या था वो आरडी में डाल दूंगा। वन थर्ड आरडी में आरडी प्लस 1000 यानी आरडी में कितना है 1, तो आरडी में कितना आ जाएगा 1+1000 यानी आरडी इक्वल टू 1001। जस्ट वेट बेटा, अगेन आई रिपीट। फोर्थ स्टोर इमीडिएट मेमोरी लोकेशन 0+RD में 20 यानी मेमोरी लोकेशन 0+1001 में 20। ये आ गया, क्लियर? दोबारा समझे कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। देखिए पहला आपको जैसे जैसे दे रखा मेमोरी लोकेशन 1000 1001 1020 हैव अ वैल्यू ऑफ 18 1 एंड 16 लिख दिया। इसके बाद देखो ये चार लाइन चलानी है, उसके बाद क्या ट्रू है। मूव इमीडिएट आरएस में 1, आरएस में क्या डाल दो, तुरंत 1 डाल दीजिए। डाल दिया है, यस या नो? उसके बाद लोड आरडी 1000 आरएस है ना, 1000 ब्रैकेट आ रहे हैं, दिस इज द इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। मैंने आपको पहले भी कराया था कि ये तो बेस एड्रेस हो गया प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू जो भी रहेगी आरएस की। तो 1000 प्लस आरएस में कितना है 1, तो 1001 हो गया। उसमें 1001 का डेटा किस में डालना है, आरडी में। 1001 पे क्या है 1, डाल दिया आरडी में 1। थर्ड एड इमीडिएटली आरडी में 1000, तो आरडी में आरडी पहले 1 था, अब कितना हो गया 1001। स्टोर इमीडिएटली 0, आरडी यानी 0+RD वैल्यू में 20 डालना है, यानी 0+1001 में 20 डालना है, तो 1001 में 20 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। उतार लीजिए सभी बच्चा। उतारा? यस सर। कर लिया बेटा सभी ने? Yes, sir. आपका रिप्लाई नहीं आया चैट बॉक्स में? क्लियर है? किस किस बच्चों से नहीं हुआ था, क्या मिस्टेक आ रही थी, समझ में आ गई आप लोगों को मिस्टेक अपनी? वो एड्रेसिंग मोड पे सर समझ में नहीं आया। अब आ गया है? आ गया सर। ये वाला कीजिए, हर बच्चा कीजिए प्लीज।
हर बच्चा Done. Three is the right answer. Three registers are required. And this one, question number 7. Each and every one, question number 7. B. Kya aa raha hai? B. Yes, sir. Yes, sir. B. Yes, very good. देखो गेट वाला कितना शाना है क्योंकि अगर डायरेक्ट बोलता तो सब पहचान जाते लेकिन एब्सोल्यूट तो जो बीटेक में पढ़ के गया ना उसको तो नहीं पता होगा यानी गेट में जरूर पता होगा या एब्सोल्यूट जिसने फॉरेन ऑथर से पढ़ा है बीटेक में उसको पता होगा इवन अपन भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली जानते थे जब तक अपन बीटेक में पढ़े हुए थे क्लियर है सभी को यस सर तो भाइयों और बहनों सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे या आपने अभी तक 30-40 एक मार्क्स के किए हैं मैंने आपको बोला था 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करोगे ही करोगे अभी तक तो 3 पीडीएफ किए ना यस सर बट पिक्चर अभी बाकी है क्या दो बेटा 3 पीडीएफ हो गई है शानू अपडेट करो अपने आप को पहला तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की दूसरी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की जिसमें एक्सपेंड ऑपकोड वाले किए थे और तीसरी एड्रेसिंग मोड की सेकंड आपने सेंड नहीं करी सर हमें 2 ही पीडीएफ मिली थी कराई तो तीनों ही हैं हां सर 3 कराई सही कर रहे तो तीनों है ये देखो ना भाई पता है पहले बड़ा कंफ्यूजन होता था ये दिख रहा है आपको MITA GBMS COA ये दिख रहा है आपको स्क्रीन Yes, sir. है ना तो भाई ऐसा ना सोचना सब चीज मेंटेन है ये छोड़ के यहाँ पहले पता हूँ 15-20 थे सारे उड़ा दिए आज ये भी उड़ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट खत्म हो गया है तो भाई ऐसा नहीं है मेंटेन है हर चीज हाँ मैं लग जाएगा वहाँ पे फिर आज हाँ आज लग जाएगा MITSOS लगा देंगे आज शाम को नया टाइमिंग क्या रखा जाए सर रात का सही रहेगा सर 8:30 से कुछ कर लीजिए सर 8:30 7:30 से नहीं बेटा वो नहीं हो पाएगा मेरे लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिकॉज 6-10 मेरी क्लास है तो 4-6 ही सही है बेटा देखो हो पाएगा तो 4-6 नहीं तो फिर इस सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे फिर और क्या है क्योंकि नहीं 8:30-10 इसलिए नहीं भाई 6-10 मेरा पूरा दिसंबर पैक एक तरह से कैसा रहता है 6-8 और 8:30-10 अब 10 बजे बाद तो भाई तुम सोओगे भी सही क्योंकि सुबह मैं ही मुर्गा बन के तुम्हारे को जगाता हूँ कुकड़ू को बोलता हूँ है ना सर वो सैटरडे संडे का क्या करेंगे आराम कर लेना थोड़ा सा हाँ बोलो आप इतनी सारी क्लासेस लेते हैं हाँ लेकिन आप साथ में क्लासेस ले ले तो क्या प्रॉब्लम है लाइक अगर दो कॉलेज की या पर्टिकुलर जो जो सेम क्लासेस चल रही है मतलब सेम सब्जेक्ट चल रहे हैं वो कैसे ले पाऊंगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं आप बोल लीजिए कि लाइक मेरी स्टार्ट हो रही है तो वो पर्टिकुलर शेड्यूल में पहुंच जाएंगे सर एप्पल और ऑरेंज कभी मिक्स नहीं हो सकते बेटा समझ रहे हो बात पहली बात तो ये शाम को चल रहा है डीबीएमएस पढ़ेगा दोबारा नहीं सर तो फिर मतलब
जो भी चल रहा है सर, मतलब तीन सब्जेक्ट का रन में भाई, मेरे चारों सब्जेक्ट रोज अलग अलग चल रहे हैं। तुम्हारा सीयूए चल रहा है, अभी शाम को सीएन था पहले, एक जगह डीबीएमएस, एक सीयूए ओएस, तो ऐसा नहीं है। तो चार से छह अगर आपको फिजिबल है, जमता है तो भाई है ना। रही बात, उसमें एक आधा दिन छुट्टी मिल जाएगा आपको, सैटरडे या संडे जो भी मिलेगा है ना, ताकि आप रिवीजन भी कर पाओ। समझ रहे हो बात, आप रिवीजन भी कर पाओ। सुबह वाली क्लास अनइंटरप्टेड चलेगी जहां तक रहेगा, लेकिन थोड़े से शेड्यूल ऐसे ना क्लैशिंग हो जाती है कई बार, तो वो कोई बात नहीं, वो अपन मैनेज कर लेंगे, इतनी कोई खास बात नहीं है। लेकिन शाम को तो चार से छह अगर जमता है तो आप बोल दीजिएगा, तो लेनी है, अदरवाइज अपन इस सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद ले लेंगे, जैसा आप बोले। नहीं सर, जमेगा सर, बिल्कुल जमेगा। लेनी है क्लास? यस सर। यस सर। यस यस इशिता, 4 PM टुडे ओएस स्टार्ट। और एक चीज बताऊं, बड़ा हल्का सब्जेक्ट है ओएस, हल्का बोले तो, वैसे तो वो भारी है, हल्का बोले तो डाइजेस्ट हो जाएगा आराम से। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो मेमोरी है ना, इसकी जो मेमोरी है, जब अपन ओएस की और सीओए की मेमोरी साथ पढ़ेंगे ना, ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि ओएस की मेमोरी 40% है, इसकी 60% है, या इसको 30 बोल दो, दोनों एक दूसरे से लिंक भी है, यानी मेमोरी में तो पूरा फील आएगा आपको इस चीज में तो है। क्लियर है सभी को? तो बच्चों, ये अपना शेड्यूल है, तो शाम को सभी को, वैसे तो आपके पास मेल आ जाएगा अभी है ना, लेकिन आप एक बार ग्रुप पे भी मैसेज में भी डाल दूंगा, और सभी बच्चों को बोलना है ना। और सेकंड पीडीएफ, अरे शांतनु तू भाई, पता है मैं भावनाओं में रहता हूँ, कुछ जने ऐसे पूरा ऐसा लगता है कि भाई, सेल्फिश वाली बात नहीं कह रहा मैं, कुछ ऐसा लगता है कि बोला भाई ये क्या कर रहे है, मैं अपने इमोशन, मैं अपना काम करूंगा। हाँ बोला, आप बोलो हम हमारा देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई सब बच्चों को मैसेज डालना, सब प्रेजेंट रहना, अच्छी तरह आना है ना, ये वो ना दो के आना, और ये कह रहा सेकंड पीडीएफ भेज दो सर इतनी देर में, तो बोला सही है भाई तुम्हारा काम, ले भाई भेज दिए। एक तीर दो निशाना है, एक तीर दो निशाना सर, फिर अपना वो खत्म हो जाएगा, चारों के चारों सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं सर। हाँ ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसी में अभी तक अपन ने सिक्वेंशियल ऑफ कंट्रोल फ्लो पढ़ा था, अब अपन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे। क्या बेटा? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, समझ में आ गया यहां तक? अब सुनिए, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड, दीज मोड आर फोकस ऑन दी इंस्ट्रक्शन। ये एड्रेसिंग मोड किस पे फोकस करता है? इंस्ट्रक्शन पे। समझ रहे हो बेटा? वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब नाम से भावना, जब कंट्रोलिंग हो रही हो, जैसे सेलेक्शन स्टेटमेंट, सेलेक्शन स्टेटमेंट किसे कहते हैं, लाइक इफ, गो टू, स्विच, मैं तो भूल ही गया ये सब चीजें, या इटरेटिव स्टेटमेंट, लाइक फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल एटेस्ट्रा, या एंड सब प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन location to another location. Clear है बच्चों?
यस सर अरे लैंग्वेज में भी यही तो, जब भी मूव करता है फोर लूप लगा दिया तो घूमता रहेगा, वाइल लगा दिया, गो टू कर दिया इफ कंडीशन, या कोई सब प्रोग्राम फंक्शन कॉल कर लिया तो आपका कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। थोड़ा फील लेके पढ़ना। टू इंप्लीमेंट द अबव स्टेटमेंट्स there is a need of special kind of instruction in the system. और बच्चों एक बात और बोलूं, बोलो ना कि बोलो सर। yes, sir. हाँ बोलो बोलो सर। हाँ भाई ये दोनों सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन साथ साथ लगाते जाना आप भी, प्रीवियस ईयर के भी, समझ रहे हो बात? yes, sir. ये दो सब्जेक्ट तो साथ साथ चलते रहेंगे, अगर इसके साथ आप एक और सब्जेक्ट उठा लेते हो तो आप तीन सब्जेक्ट पैरेलल में चला रहे हो, बाकी जो आप फिनिश करके पटक चुके वो कर ही चुके होंगे। तो बच्चों थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें और अक्रेशिया का ध्यान में रखें। बस दीज इंस्ट्रक्शन आर नेम्ड एज ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन, that is called as TOC instruction, transfer of control flow. इसमें ज्यादा दम नहीं है, टेंशन मत लेना। यहां तक कर लिया बेटा? आगे बढ़े? Yes sir. Next point. Second point. जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, अनकंडीशनल टीओसी and second one is conditional TOC. Okay, sir. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. यार ये hang हो रहा है दोबारा, नया पेज ही चलाना पड़ेगा मेरे को लगता है। इसको क्या हो गया अब? नहीं 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 इसके तो नहीं है भाई, इसके तो 1 GB के अंदर अंदर ये खाली कर दिया था मैंने पूरा। ये तो हैंग ही हो गया। तुम्हारे को भी दिख रही है कि ब्लैक स्क्रीन? नहीं सर, नहीं सर, लोड नहीं दिख रहा है। अभी ये हैंग हो गया। रब प्लॉट बनने लगे स्क्रीन, मतलब लाइक ब्लैक होने लगे। पूरी वापस आ गई। यार इसको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा भाई, एक मिनट रुकना है ना बच्चों, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। ऑल टाइप करता हूं। अब क्या आ रहा है? नहीं आ रहा सर। अरे इधर मैं भी नहीं आ रहा।
आप दिख रहे हैं, गैलरी व्यू आ रही है सर। पता नहीं यार क्या हुआ, मैं एक बार दोबारा लॉगिन करता हूँ ना, ठीक है सर? आप तो आ रहे हैं सर। अरे मैं तो आ रहा हूँ, मेरा सिस्टम हैंग हो रखा है इधर, उसको कैमरा चल रहा है। मैं एक बार दोबारा लॉगिन करता हूँ ना।